उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो मंजिला मकान जैक से उठाते समय भर भरा कर गिर गया। मलबे में 20 श्रमिक दब गए। पुलिस ने मलबे में दबे 16 श्रमिकों को बाहर निकाला, इनमें दो की मौत हो गई। दूधिया रोशनी में DIG, DM और SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस JCB मशीनों के साथ बचाव कार्य में जुटी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लेते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने तक अभियान जारी रखने के आदेश दिए हैं। घटना के बाद मकान मालिक और ठेकेदार दोनों फरार हो गए हैं। मेरठ के मुरसलीन की जानसठ में पानीपत खटीमा हाईवे पर बिजली घर के सामने 400 वर्ग गज में दो मंजिला मकान था, जिसमें 6 दुकानें बनी हुई थी। हाईवे चौड़ीकरण के कारण मकान नीचे हो गया था, जिसे उठाने के लिए 5 दिन से काम किया जा रहा था। इसका ठेका रामपुर जिले के छुट्टन ठेकेदार को दिया गया था। आपको बता दें कि रविवार शाम 5 बजे मजदूर कई जैक लगाकर मकान उठा रहे थे, तभी जैक तिरछा हो जाने के कारण पूरा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें सभी श्रमिक दब गए। बचाव दल के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग मलबे को हटाने में जुट गए। DM अरविंद मलप्पा बंगारी और SSP अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे और JCP की मदद से मलबा हटवाना शुरू कर दिया। 16 मजदूरों को बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मुरादाबाद के मोहित और रामपुर के पीयूष को मृत घोषित कर दिया। DM अरविंद मलप्पा बंगारी का कहना है कि कई टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। 16 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, इनमें से 2 की मौत हो गई है।